नमस्कार। आई हम आपके लिए लेके आए हैं एक थ्योरम। थ्योरम क्या दी गई है, कहता है इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, एक रे किस पे खड़ी है, लाइन पे, कॉमा देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इन 180 डिग्री। मतलब क्या होगा कि अगर कोई लाइन है उसके ऊपर एक रे खड़ी है तो उनका जो एडजेसेंट एंगल्स होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। जी हमें प्रूव करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे हम गिवन में। गिवन में क्या लिया, कहता है ए रे एल एन, जी हम एक रे ली एल एन, ठीक है, दिख रही है यहाँ पे आपको एल एन, विच स्टैंड ऑन ए लाइन पी क्यू, किस पे, इस लाइन पे खड़ी है पी क्यू पे। ओके, तो सच दैट क्या आएगा हमारे पास, एंगल पी एल एन, कौन सा एंगल, पी एल एन, जे वाला एंगल दिख रहा है आपको, पी एल एन एंड एंगल क्यू एल एन, जे वाला एंगल। ओके, एंगल पी एल एन एंड एंगल क्यू एल एन सो फॉर्म, मतलब जे एंगल जनरेट हो रहे हैं, जे एंगल बन रहे हैं, क्लियर। और हमें टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि एंगल पी एल एन प्लस एंगल क्यू एल एन, जो जे इन जे वाले एंगल और जे वाले एंगल हैं इनका सम कितना लाना हमने, 180 डिग्री के इक्वल लाना है। तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले लेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करा कि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करा, यहां पे लिखा ड्रा ए रे एल एम, एल एम परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, क्या लिया हमने, पी क्यू पे। ओके, अब जे कंस्ट्रक्शन ले लिया, टू प्रूव करना है और गिवन लिया, अब हम जी 180 डिग्री कैसे लाएंगे, देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, वी नो दैट व्हाट वी नो, एंगल पी एल एन, जो एंगल है पी एल एन इक्वल टू क्या आएगा, क्या मैं इसको पी एल एम, एंगल पी एल एम प्लस एंगल एन एल एम लिखूं, एंगल एन एल एम, फिर मैंने क्या किया, ब्रेक किया किसको, एंगल पी एल एन को, जहां पे ये कंप्लीट एंगल है, इसको क्या लिखा मैंने यहां पे, अलग कलर में लेता हूं इस एंगल को, कौन सा मैंने एंगल लिया आप देखिएगा, जे वाला एंगल लिया मैंने और जे वाला एंगल लिया, ठीक है, जे वाला एंगल लिया, तो जे क्या आएगा, अब जो एंगल हमारे पास ये है विच इंप्लाइज एंगल पी एल एन, ओके, इसको क्या रखा हमने, एंगल पी एल एम, यू नो जी क्या दिख रहा है हमें, दैट इज ए परपेंडिकुलर राइट एंगल, और जी क्या मैं इसको 90 डिग्री लिख सकता हूं, क्या आ गया 90 डिग्री, और जी क्या आएगा एंगल एन एल एम, ऐसे ही रखा हमने, जी एन एल है, ठीक है, क्या आएगा एन एल, इसको रखा हमने क्या स्टार वन, क्लियर। नाउ क्या लेंगे दूसरा एंगल लेते हैं, कौन सा वाला, क्यू एल एम, यू नो एंगल क्यू एल एम, जो ये एंगल है क्यू एल एम, जी किसके इक्वल है, सेम इसी तरह ब्रेक करेंगे, इसको लेंगे हम एंगल क्यू एल एम इक्वल टू आएगा एंगल क्यू एल एन, राइट, जी हमारे पास आया। अब जहां भी क्या लेंगे प्लस, प्लस क्या आएगा एंगल एन एल एम, राइट, एंगल एन एल एम दिख रहा है ना, मीन्स क्या आएगा जे वाला एंगल, जे कंप्लीट एंगल लिया हमने, जे वाला कंप्लीट क्यू एल एम जे लिया, और हम क्या ले रहे हैं जे वाला एंगल प्लस जे जो ग्रीन में लिया हुआ मैंने, ठीक है, जो ग्रीन में है जे ले लिया, ओके, ये एंगल आया। अब जहां पे क्या करेंगे, हमें तो चाहिए क्या क्यू एल एम एन चाहिए, क्या चाहिए क्यू एल एम, हम कह रहे हैं इसको उठा के इस तरफ ले आएंगे, जब इसको उठा के इधर आया तो ये क्या बन गया, जो एंगल क्यू एल एम माइनस लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जाना, साइन चाहिए होता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, इसको उठाया यहां पे लाया, तो ये क्या बन गया हमारे पास एंगल एन एल एम, ओके, एंगल एन एल, जो एन एल एम है इसको यहां पे लाया, और ये क्या जहां पे क्या बच गया एंगल क्यू एल एन, क्लियर, इसको ऊपर करो थोड़ा सा, जी लिया हमने। अब यहां पे क्या है, जो एंगल है क्यू एल एन दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, सो इट इज 90 डिग्री, यहां पे क्या जाएगा 90 डिग्री, राइट, माइनस एन एल एम इक्वल टू एंगल क्यू एल
एम, मैं पहले इसको लिख रहा हूं देयर फोर करके, एंगल क्यू एल एम, एक्चुअली हमें चाहिए क्या था, क्यू एल एम, सॉरी गलत कर दिया, क्यू एल एम नहीं आएगा, क्यू एल एन आएगा, यहां पे क्या आएगा, एन एन, ओके ये हमने यहां पे क्या लिखना, एन लिखना था, तो ये क्या आएगा हमारे पास क्यू एल एन, और यहां पे क्या है क्यू एल एन को पहले लिखा और इसको बाद में लिख रहे हैं, ये क्या आ गया 90 डिग्री माइनस एंगल एन एल एम, क्लियर, इसको लिखा हमने क्या स्टार सेकंड का, अब दोनों को क्या करें, हमें चाहिए सम, तो क्या करते हैं, देखो हमारे पास फर्स्ट क्या है एंगल पी एल एन और सेकंड क्या है एंगल क्यू एल एन, दोनों को ऐड करते हैं, किया दोनों को ऐड, ठीक है यहां पे क्या लिखेंगे हम, एडिंग स्टार वन एंड स्टार टू कॉमा वी गेट, ओके ये क्या आएगा हमारे पास, जब हम दोनों ऐड किया क्या था एंगल, ये हमारे पास आएगा पी एल, ओके मेजर कर रहा हूं एंगल पी एल एन, क्लियर, और जहां पे क्या आएगा प्लस एंगल क्यू एल एन, क्यू एल एन इक्वल टू क्या आएगा, यहां पे क्या हमारे पास 90 डिग्री प्लस एंगल एन एल एम, और आएगा प्लस ये हमारे पास है क्यू एल एम, क्यू एल एन, ओके क्या आ जाएगा हमारे पास क्यू एल एन इक्वल टू क्या आएगा, इसी यहां पे आएगा 90 डिग्री राइट माइनस ये क्या है एंगल एन एल एम, अब जहां पर ये एंगल एन एल एम और एंगल एन एल एम ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो दोनों ये कट जाएंगे और ये बीच इंप्लाइज एंगल पी एल एन प्लस एंगल क्यू एल एन, ओके इक्वल टू कितना आया 180 डिग्री आया, क्या आया 180 डिग्री, ओके समझ आया, क्या मुझे यही प्रूव करना था ना, देख लीजिए अब टू प्रूव में क्या हमारे पास एंगल पी एल एन प्लस एंगल क्यू एल एन इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां पे भी क्या किया प्रूव हमने एंगल पी एल एन प्लस एंगल क्यू एल एन कितना आया 180 डिग्री, ओके ये था हमारे पास एंगल सम, जब दो लाइन पे एडजेसेंट एंगल होता है उसको एडजेसेंट एंगल से सम करना होता है 180 डिग्री रहता है, मैं जब एक रे किसी लाइन पे खड़ी है तब उनके एडजेसेंट एंगल से सम करना होता है 180 डिग्री, ओके समझ आया, कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।